गर्मी में इतनी भारी संख्या में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आपने जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के सच्ची नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिखाया है, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बंगाल की धरती को प्रणाम करता हूं। अभी मुझे यहां पर हमारे जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप बनौर जी ने मां दुर्गा का एक मूर्ति भेंट किया है। ये जगत जननी मां भगवती दुर्गा है। इस जगत की आदि शक्ति है और इस आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा की शक्ति आप सबको प्राप्त हो, इसकी भक्ति आपको एक नई शक्ति दे सके और इस शक्ति के बल पर आप सभी बंगाल की खुशहाली के लिए और भारत की खुशहाली के लिए कार्य कर सकें, मैं इसकी कामना आप सबके प्रति करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का आधार स्तंभ रहा है। भारत के अंदर भारत का राष्ट्रगान श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत को दिया गया। आज हर भारतवासी अपने राष्ट्रगान और अपने राष्ट्रगीत पर गौरव की अनुभूति जब करता है तो वह बंगाल की गौरव गाथा को लेकर के, बंगाल के आप सभी नागरिकों की कामना को लेकर के कार्य करता है। और मैं बंगाल की धरती को, जिसने रामकृष्ण परमहंस को, जिसने स्वामी विवेकानंद को भारत को दिया और भारत के विकास में भारत के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दिया, इसके लिए भी मैं बंगाल की धरती को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्हीं के कारण बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से का जो कार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1946-47 में प्रारंभ हुआ था, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इसलिए मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद की धरती, बंगाल की धरती को, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन। भाइयों बहनों, आज जब पूरे देश के अंदर लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है तो लोकसभा के इन चुनावों के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर आज है, आप असम जाइए, त्रिपुरा जाइए, उड़ीसा जाइए, बंगाल में आइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहां कहीं भी जाएंगे हर एक नागरिक के मुंह पर एक आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार यह आवाज पूरे देश के अंदर सुनने को मिल रही है। भाइयों बहनों, इसके पीछे का कारण है, ये कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्ष तक देश के अंदर जो कार्य किया, आपका यह जो क्षेत्र है, यहां के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना का कार्य जो चल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का मामला हो, गरीबों को खाद्यान्न देने का मामला हो,
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हो, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब को एक टॉयलेट देने की बात हो, या फिर आयुष्मान भारत में हर एक गरीब को 5,00,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्य को पूरे देश के अंदर लागू किया है, लेकिन बंगाल में अभी टीएमसी से स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। जब टीएमसी जैसी सरकारें बंगाल से विदा होंगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यहाँ के हर गरीब को मकान मिलेगा, यहाँ के हर गरीब को टॉयलेट मिलेगा, यहाँ के हर गरीब को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क एलपीजी का कनेक्शन प्राप्त होगा और यहाँ के हर गरीब को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेंगी। और जिससे आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ, भाइयों बहनों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का हो या फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों, नौजवानों की बड़ी संख्या को मैं देख रहा हूं, इन नौजवानों को नौकरी या आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और उनकी प्रतिभा का लाभ देश को देने के लिए देश के विकास में इनकी ऊर्जा और इनकी प्रतिभा को लगाया जा सके, इस दृष्टि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की। आज देश के अंदर 15 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुए हैं। और यही नहीं भाइयों बहनों, जो आप सब सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के सदैव चिंतित रहते थे, मैं जानता हूं आप सबकी रोजगार में, आपकी नौकरी में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और अराजकता के कारण आज बंगाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं और यहाँ कोई निवेश इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि जब भी कोई निवेश के लिए बंगाल में आता है टीएमसी के गुंडे घेर करके उन्हें प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और जब निवेश नहीं हो पाता है तो फिर नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी नहीं मिल पाता है। कांग्रेस ने नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया, कांग्रेस ने देश के साथ जो खिलवाड़ किया, वही कार्य यहाँ पर कम्युनिस्टों ने किया और आज उसी कार्य को उसी बर्बरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य टीएमसी कर रही है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में व्यक्ति के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का। उन्होंने कहा था कि हम सबका विकास करेंगे, साथ सबका लेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस हो या फिर टीएमसी या फिर यहाँ पर कम्युनिस्ट हो, ये जितने भी लोग हैं इनके द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जिस तरीके से बंगाल की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज आवश्यकता है हम सब मिलकर के इन सभी दलों के तुष्टीकरण नीति का पुरजोर विरोध करें और हम सबका संकल्प होना चाहिए फिर एक बार मोदी सरकार। और इस संकल्प को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाइयों बहनों आप मान करके चलना, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 वर्ष में हमने 24,00,000 गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 करोड़ गरीबों को
निःशुल्क इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन उपलब्ध कराए, 1,12,00,000 लोगों को एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए और उत्तर प्रदेश के अंदर 2,14,00,000 किसानों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था उनके अकाउंट में की। हर गरीब को राशन कार्ड 3,55,00,000 गरीबों को राशन कार्ड के साथ जोड़ करके उनकी भूखमरी की समस्या का समाधान जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सहयोग से बंगाल में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू करने का कार्य करेगी, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी, कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य कर रहे हैं, मैं सुन रहा था कि आज प्रातः आप जब इस सभा में यहाँ आने के लिए आ रहे थे तो टीएमसी के लोगों ने यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर के आपको जनसभा में आने से रोका है। आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को रोंगने का कार्य बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार कर रही है और हम सबका दायित्व बनता है कि जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने का कार्य करेगा हम फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसको इसका जवाब देंगे। और इसका जवाब देश के अंदर एक ही है और वह है नरेंद्र मोदी और कमल का निशान। कमल का निशान आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक का जो विकास चाहता है, जो आतंकवाद से मुक्ति चाहता है, जो नक्सलवाद से मुक्ति चाहता है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा चाहता है, जो भारत के अंदर गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, इन सब का उत्थान चाहता है, उन सब की पसंद है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी और राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह के रूप में कमल का फूल और कमल के फूल के निशान को लेकर के आज एक बार बंगाल की धरती में मैं आपके बीच आया हूँ। मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप सब इतनी गर्मी में भी यहाँ पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, जो पुरुषार्थ और जो परिश्रम आप कर रहे हैं, मैं आपके इस परिश्रम को, इस पुरुषार्थ को कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाइए। और मैं आप सबसे इस बात को कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर पड़ने वाला एक एक वोट प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को फिर से सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। और इसके लिए बंगाल का समर्थन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और बंगाल के समर्थन को लेकर के आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपने इतनी भारी संख्या में आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है, मैं आप सबको एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री के रूप में अगर मोदी जी को आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।